तो जी यहाँ पर हम माशा से इतनी अच्छी आज धूप लगी हुई थी, तो ऊपर धूप में बैठी हुई हूँ। तो मेरी बेटी को जी शौक चढ़ा कि मामा जी आओ मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ, तो मुझे मेहंदी लगाना शुरू कर दिया जी। ये देखे और धूप जो कभी बादल सूरज के आगे आ जाता है और कभी धूप हो जाता है, अब बादल हो गया जी। तो मेहंदी लगाना शुरू किया तो मुझे सर्दी भी हो रही। तो जहाँ पर जी माशाल्लाह से देखें जी सूरज कितना खूबसूरत निकला है। अभी इसने हमारी खुशी अधूरी छोड़ देनी, आगे बादल आ जाने हैं। जब निकलता है तो इतना सुकून मिलता है ना, तो जब अंदर चला जाता है तो इस तरह सर्दी हवा लगना शुरू हो जाती है। माशाल्लाह से जी मेहंदी मेरी बेटी ने मुझे लगा दी है और उंगलों मेरी रह गई हैं। इस मेहंदी ने ना साथ छोड़ दिया, मेहंदी ने जी निकली, इतनी कोशिश की निकली नहीं, इतनी ज़ाया भी की है, ये देखे जरा इधर, लेकिन निकल नहीं। और आप बताएं कि कैसी लगाई है। ये तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। मैंने लगवाई भी पहली दफ़ा है जी, नहीं तो लगाई भी जी मैंने पहली दफ़ा ही है। मैं मेहंदी कम ही लगाती हूँ, कभी है ये ज़बरदस्ती आज मेरी बेटी ने लगा दी है। यहाँ पर माशाल्लाह से देखें जी बादल का टुकड़ा कितना ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो पूरा आसमान ही आज इतना खूबसूरत लग रहा है ना। ये परिंदे उड़ रहे हैं, कितना खूबसूरत मुझे तो लग रहा है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से, खुदा की कुदरत है ना। अब हम नीचे आ गए हैं, ऊपर बैठ के लगाई थी, दूर में बैठे जैसे उसने मुझे लगा दिया। तो मैं बना लगी थी आज आलू मटर का पुलाव। आज आपको बताऊं कि किसकी फरमाइश पे बनने लगा थी आलू मटर का पुलाव, नदीम साहब की फरमाइश पे। वैसे तो खाते नहीं है, बनवा लिया। खाते क्यों नहीं, आज पहली दफा इन्होंने खुद से बोला कि जी आज आलू मटर का पुलाव बनाते हैं जी। तो मैं तो फौरन ही खुश हो गई, बड़ी बात है जी आज इन्होंने बोल दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, कोई बात नहीं है। तो नहीं तो इनसे जब भी पूछ रहा था क्या बना रहा है, इन्होंने यही बोलना था कि आलू मेथी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप निकाले थे सबसे पहले मटर। तो शोर बहुत वैसे आ रहा होगा, क्या करे, बाहर बोला नहीं आज आ सकता कि इसे बंद करे। बहुत बड़े हुए दाने हैं जी आज, तो मटर बहुत अच्छे हैं, इस तरह के बड़े बड़े अच्छे नहीं थे वो, पहले ना खाली खाली होते थे, आज सही है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मैंने आलू मटर निकाल ली है, माशाल्लाह से आज मटर बहुत ज्यादा हमारे निकले हैं, आज ज्यादा मटर वाला पुलाव बनेगा जी। और इधर मैंने टमाटर और प्याज भी काट दी है। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह से आज मैंने इसमें डाल दिया जी, और कैमरा मैन मेरा मेरा कौन है जी, रबाब बनी हुई है। डालते हैं जी इसमें प्याज, बोल ठीक है जी।
जी मेरा कैमरा मैन जो है ना कह रहे मामा जी साथ साथ बोलने भी कैमरा मैन आ छोटा सा बच्चा बताओ तो जी मैं प्यास हो गया कि हमारा ब्रोड फिर मैम ना इसमें डालेंगी थोड़ा सा पानी ठीक है ना बाब ऐसा ही है हां जी गो इतनी जिद कर रही है जी मामा जी मैंने ना एहसान में ऐसे भी कर रही मामा जी मैंने कैमरा पकड़ा इतनी जिद कर के इसने पकड़ लिया जी आज रुबा भी बना रही है जी ब्लॉग मैं डाला जी मैंने थोड़ा सा पानी ताकि इसका कलर सही है चिकन कलर कितना ब्राउन हो गया प्याज कितना ब्राउन हो गया आज मेरा दिल चाह रहा था ब्राउन ब्राउन चावल बने इसमें मैं डाल रही मसाला जार टमाटर है हरी मिर्च अदरक लहसुन और खुश्क मसाले है जी नमक थोड़ा मिर्च और दादर हल्दी अपने लिए जो बना रहे हैं जी चिकन क्योंकि उन्होंने चावल तो अपनी फरमाइश करवाए लाजमी उन्होंने खाने चावल नहीं खाते अब मैं इसमें डाल देती हूँ जी चावल चावल धोकर मैंने अच्छी तरह रख दिए थे मामा भी रोटियां पका रही है अच्छा साथ में चावल भी क्या कर ले माशाल्लाह से लाग तो सही है माई बुड़ी लगी रोटियां पकान एक एक दाना खिला हुआ है रोटियां बना लो प्लीज का दम खोल दे ये मेरी बाड़ी है और यहां पर कर लेते हैं चावल बबे माशाल्लाह से
बहुत अच्छे बने आप खा लेते हैं डिश शॉर्ट भाइयों को भी दिखाते हैं अभी साहब का भी सालन तैयार है जी उन्होंने भी अपना सालन तैयार कर लिया कुछ रोटियां मैंने इनके लिए बना दी हैं आप डाल के दे देना जी बच्चों को तो आज का ब्लॉग बस मेरा इतना ही था बड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो मेरी बार मिलती जा रही है तो फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करे अपने रिश्तेदारों में अपने बहन भाइयों में और फुल बाल डाल करे और अच्छे अच्छे कमेंट दिया करे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़ मम्मा बनी हो आज रुमा अभी मेरा कैमरा मैन था जी आपको पता है।